मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ कोने में छुप के बैठे हुए हो। इधर आओ जरा। अरे ये क्या कर रहे तुम? वो पीछे पीछे इनकी माँ भी निकल आई और बच्चों को भी बाहर ले आई। इस वक्त इतनी गर्मी में ये जमीन के नीचे से बाहर आती नहीं है, लेकिन आज इनको भूख लग गई है इस वजह से सारे के सारे बाहर निकले हुए हैं, नहीं तो हर वक्त सोए रहते हैं जमीन के नीचे। ऐसा करते हैं, खाना इनको देते हैं अभी। कहाँ भी हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये लो खाना, जाओ 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 जाओ। अरे इस वक्त सारे यहाँ पे मिलजुल के खाना खा रहे हैं, और जब भी इनका खाना ख़त्म हुआ ना, उसके बाद इन सब ने ना यहाँ से ज़मीन के नीचे चले जाना है और वहाँ गहरी नींद में जाके सो जाना है। फिर तुम लोगों ने बाहर आना ही नहीं है, है ना? ऐसे ही है ना? तो इस वक्त सारे मिलजुल के वहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो इनको हम डिस्टर्ब नहीं करते। दोबारा से ना ज़मीन के नीचे भाग जाइए, आराम से यहाँ पे उठा के ना इनको खाना खाने देते हैं। ठीक है ठीक है, खाओ खाओ। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो इस वक्त बस यार थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो, अंडों का बंदोबस्त हो रहा है तुम्हारे लिए। इस मुर्गी के नीचे रखने के लिए ना मैं अंडों का पूछ रहा हूँ कहीं से मुझे मिल जाए, तो जब हमें मिलेंगे ना तो हम इसके नीचे अंडे रखेंगे और उनमें से फिर चूजे निकलवाएंगे। जेफ इस वक्त अपने बच्चे को लेने के लिए यहाँ पे पहुँच चुका है। कह रहा है कि कहाँ इतने दिन से गायब थे, नज़र ही नहीं आते थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पर गायब था। आपको पता होगा कि इसमें ना जैकी ने हमला किया था और ये ज़ख्मी हो गया था। तो उस दिन से ना मैं इसको अंदर कमरे में रखा हुआ था और वहाँ पे इसका इलाज करा रहा था, और आज ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, खतरे वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज के दिन ना हम इसको इस जेल से निकाल के बाहर दोबारा आज़ाद कर देते हैं। चलो खुद आना चाहोगे बाहर? दरवाज़ा तो खुल चुका है। नहीं खुद नहीं आएगा अभी, इसको रस्ते का नहीं पता इतना। तो मैं ही पकड़ के बाहर निकालता हूँ। तो आओ जरा जेफ के बच्चे बाहर। अरे जेफ ने तुम्हें भी मारना सिखा दिया है? जेफ होली तो पहले मुझे मारते रहते थे, और अब अपने बच्चे को भी सारी तकनीक सिखा रहे हैं। तुमने तो बड़ी जल्दी इतना कुछ सीख लिया। चलो बाहर आओ जल्दी से, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अरे हाँ चलो यहाँ पे बैठो, देखिए खुशी का लेवल चेक करें इसकी। हाँ खुश हो गए? देखिए किस तरह मुस्करा रहे ये। क्या हुआ, मुंह मोड़ लिया अपना? मक्खियों के पीछे पड़े हुए हो, मक्खियों के तंग आ रही हैं। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ना इस वक्त ठंडी मिट्टी पे आराम कर रही है, लेकिन मक्खियाँ जो है ना इसे आराम नहीं करने दे रही। अरे यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे बाहर आओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सारा दाना ख़त्म कर दिया उसका। इनके काम देखे, ये दोस्ती बनाने नहीं आए थे तुमसे, खाना चोरी करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। आओ तुम लोगों का खाना तो मैं देता हूँ ना, ये ताकत वाला खाना तुम लोगों के लिए नहीं है, इसको ज़रूरत है इसकी अभी। तो ये लो जेफ, तुम्हारा बच्चा आ चुका है तुम्हारे पास, आप खुश? अरे वो ये क्या कह रहे हो? नहीं छोड़ो जेफ, इतने तेज हो तुम, अपने बच्चे को मार रहे हो। अरे चलो बाहर यार, इसने तो अपने बच्चे पे ही हमला कर दिया है। चलो यहाँ पे बैठो, अब से तुम्हारा घर है, ठीक है? जेफ ओली के कमरे के बिल्कुल जो नीचे वाला कमरा है ना, ये वाला, ऊपर तो जेफ ओली का ना, इसके माँ बाप का, लेकिन नीचे वाला जो है ना इसके बच्चे को दे दिया है। और अब से तुम्हारा घर है नया, पानी भी यहाँ पे है और खाना तो मेरा आगे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे बैठे रहो आराम से, बाहर आना हुआ तो आ सकते हो, दरवाज़ा खुला है। आजकल टर्टल का जो एक बच्चा रह गया ना, उससे मैं ज़्यादातर ना पानी में रखता हूँ, क्योंकि बाहर जो है ना गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी के मौसम में इनको बाहर निकालना ठीक नहीं होता। ये जितना पानी में रहेंगे ना उतना ही ज़्यादा बेहतर है इनके लिए, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा तो अब पानी में रखता हूँ, लेकिन सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ना इसको खुश्की पे छोड़ना होता है। तो अभी कल बल्कि परसों से पानी में है, तो अभी मैंने सोचा है कि इसको थोड़ी देर ना खुश्की भी दिखा देते हैं हम, ताकि खुश्की में भी थोड़ा चल फिर ले। तो कुछ देर यहाँ पे चलो फिरो, उसके बाद तुम्हें दोबारा उठा के यहाँ से पानी में रखूँगा। स्नो के पास तो इसका खाना मौजूद है, ये ग्रीन कलर का खाना इसके सामने रखा हुआ था। तो अभी तक तुमने ख़त्म नहीं किया क्या? भूख कम लगती है ना गर्मी की वजह से, गर्मी में कुछ खाने का दिल ही नहीं करता, है ना? ऐसा ही है ना? चलो ठीक है, खाना शाना इसके पास है, पानी भी इसके पास है, तो तुम बैठे रहो यहाँ पे। आज तुमने बाहर नहीं आना, क्योंकि आज चिंचली जो है ना अपने बच्चों को बाहर लेके आई हुई है, और इसे भी खतरा है स्नो से, सिम्बा से और शेरू से। तो इस वजह से आज हम लड़कों को बाहर नहीं निकालेंगे, आज लड़कियों के बाहर आने का दिन है। ठीक है बैठे रहो।
अरे ये क्या कर रहे तुम? ये देखे यार ये क्या है, तुम अपने कमरे में चलो चलो बस, तुम भी बाहर आओ जल्दी। सारे यहाँ पे घुस रहे हो उसको मारने के लिए, वो तुम लोगों जितना है। ऐसा करते हैं दरवाजा ना फिलहाल बंद रखते हैं, क्योंकि जो ऊपर जैव और बाज है ना ये इसके पीछे ही पड़ गए इसको मारने के लिए। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ कोने में छुप के बैठे हुए हो, इधर आओ जरा। हमारा ये जो टर्टल का बच्चा है ना, मैंने सोचा कि यार इसके लिए ना आज हम एक नाम रखें। ये जो टाइगर टर्टल है ना हमारा, ये तो मैंने कभी आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने खुद नोट किया है कि इसके नीचे वाली तरफ आप देखें बिल्कुल टाइगर की तरह नहीं डिजाइनिंग हुई हुई, देखें नीचे वाली साइड से बिल्कुल टाइगर लगता है। तो टाइगर टर्टल तो नहीं इसका नाम हम रखेंगे, इसका नाम मैंने सोचा है कि हर वक्त ना ये कोनों में छुपता रहता है, जब भी मैं इसको बाहर छोड़ू ना तो कभी किसी कोने में छुप जाएगा, कभी किसी कोने में चले जाएगा। तो आज के बाद इसका मैंने नाम डिसाइड किया है कोना। तो आप बताएं कि इसके लिए कोना नाम कैसा है, ठीक है ना? कोना नाम तुम्हें प्यारा लगा क्या? ठीक है यार, और नाम तो कोई जहन में नहीं था, तो कोना बताओ तुम्हें कैसा नाम लगा, प्यारा लगा ना? बताओ। ये देखें बिल्कुल नीचे से टाइगर की तरह, तो आज के बाद हम इसे कोना बुलाया करेंगे। तो अभी इसको दोबारा पानी में छोड़ देते हैं, ठीक है यहाँ पे रहो। ये जब भी इस तरह गर्दने निकालते हैं ना तीनों, ये बड़े क्यूट लगते हैं यार मुझे, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं इस वक्त। और ये यहाँ पे गर्दने क्यों निकाल के बैठे हुए हैं मैं बता दूँ, फिर बता दूँ किस लिए निकाली हुई ये गर्दने। अरे तुम तो बाहर ही आगे, अंदर चलो खाने का वक्त है, इस वक्त नहीं आना बाहर, चलो। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ना खाने के इंतजार में है, और इन्होंने खाना देखा है ना जो इस वक्त ये पड़ा हुआ है, चूजे भी दवा बो रहे हैं इनके खानों पे, तो इस वजह से ये इस तरह खा रहे हैं। तो इनका खाना ना हम इनको अंदर ही देंगे आज, बाहर नहीं निकालेंगे। तो आओ जरा इधर, ये खाओ खाना। हाँ तो बताओ कैसा लगा खाना, मजे का ना? मजे का कि नहीं? हाँ मजे का भाई, खाते जा रहे हैं, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। तो यार एक खुशी की खबर है, इस वक्त कोजी को देखे क्या खा रही है, इसका मतलब है कि अब इनके अंडे आने वाले हैं और उनमें से फिर बच्चे भी निकलने वाले हैं। तो इस वक्त तो डव फैमिली यहाँ पे सारे मिलजुल के बैठे हुए हैं, अभी तो नेस्ट खाली है, लेकिन एक दो दिन तक ना हम इंतज़ार करते हैं कि इनके अंडे कब तक आते हैं। कुड़क वाली मुर्गी भी ना इस वक्त यहाँ पे लगातार पानी पीती जा रही है, पीती जा रही है, इससे ना काफ़ी गर्मी लग रही है। इतनी गर्मी में तुम कुड़क पे बैठ रही हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। सर्दियों के मौसम में बैठ जाती या कुछ मौसम नॉर्मल होता था बैठ जाती, लेकिन नहीं, इतनी गर्मी शदीद किस्म की गर्मी है और उसी में अंडों पे बैठ रही है। आप मुझे बताएं कि इतनी गर्मी में इसको अंडों पे बिठाना ठीक रहेगा या नहीं? मुझे तो यही लगता है कि ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी गर्मी में अंडे भी ख़राब होने का डर है। तो आपने कभी पहले बिठाया अंडों पे मुर्गियों को, तो मुझे बता दें कि अभी मैं बिठाऊँ या ना इसे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इसको बिठाना चाहिए, लेकिन वैसे भी बैठी है तो फिर अंडे रखने में क्या मुश्किल है हमें। सिम्बा वैसे तुम इन लंबे बालों के वजह से तंग हो ना, सही सही बताना, तंग होगे? नहीं तंग तो होगे, इतनी गर्मी ऊपर से लंबे बाल हैं, तंग तो करते ही होंगे। थोड़ा सा ठंडा पानी लेते हैं और इसको हम गीला कर देते हैं ताकि इसे गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी ना लगे। बैठे रहो यहाँ पे, आज तुमने बाहर नहीं आना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, कल मिलते हैं आपसे किसी और नए व्लॉग के साथ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।